स्वर्गीय सुभाष यादव फाउंडेशन एवं निमाड़ महिला हॉकी एकेडमी द्वारा आयोजित वुमेन्स प्रमोशन लीग टूर्नामेंट में भाग लेने आई टीमों द्वारा कसरावत में स्वच्छता अभियान रैली निकाली गई। बोराओ में आयोजित वुमेन्स प्रमोशन हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने आई टीमों द्वारा कसरावत में स्वच्छता अभियान रैली निकाली गई। रैली कसरावत न्यायालय परिसर से निकाली गई, जिसे न्यायाधीश राकेश भिड़े एवं SDM संघ प्रिय द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में इंदौर, बड़वानी, खरगोन और देवास से आई टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर परिषद CMO संजय रावल, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर सिंह राठौड़ सहित न्यायालय कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, आज गर्ल्स हॉकी टीम ने कसरावत में जो मार्च पास्ट किया, रैली निकाली, क्या उद्देश्य था? आज से कसरावत में जो वीमेंस हॉकी प्रमोशन टूर्नामेंट चालू हो रहा है, जिसमें चार टीमें लीग मैच खेलेंगी, उसी के उद्घाटन के पूर्व आज स्वच्छता रैली निकाली गई। और एक ये परंपरा सी बना रखी है गर्ल्स हॉकी एकेडमी के द्वारा कि हम जहाँ भी कोई भी आयोजन होता है उसमें बालिका हॉकी खिलाड़ी उस नगर में स्वच्छता का संदेश लेकर के एक मार्च करती है, जिसमें स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय नगर परिषद का हमको पूरा सहयोग प्राप्त होता है। तो खेल के साथ में इस तरह से एक राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है, वही आज उद्देश्य है। आपका परिचय? मैं अनिल पांडे, सचिव जिला महिला हॉकी एकेडमी खरगोन। कोच भी है शायद आप? जी हाँ, मैं कोच। सर, ये जो महिला हॉकी के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है सर कुछ प्रतिभाएं आपको निकल के आ रही हैं? खरगोन, बड़वानी, धार, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, ये पूरा आदिवासी बेल्ट है और अभी तक इस पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं खेल की दृष्टि से देखा जाए तो जो इस प्रोत्साहन मिलना था वो ना तो राज्य के द्वारा मिला, ना ही केंद्र के द्वारा मिला, और ये लंबे समय से होते रहा है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में प्रतिभाएं पड़ी हैं, आवश्यकता है उनको वो मंच मिले, संसाधन मिले, ये बच्चियां, ये खिलाड़ी देश में, पूरे भारत में क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, बस शर्त इनको अवसर मिले और वही हम चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।